बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैपिटल व्यूज के साथ मैं हूँ ज़वारी रहमान। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर मैंने पहले अपने व्लॉग्स में बात नहीं की, मैं करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब हुआ कुछ ऐसा कि मुझे बात करना ज़रूरी लगा। कल से ट्विटर पर जो है वो टॉप ट्रेंड चल रहा है। हमारे काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़, और हैशटैग चल रहा है जस्टिस फॉर नूर मुकदम। इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने एक व्लॉग किया, उसने नूर मुकदम के अगेंस्ट कुछ वर्ड्स कहे और उस पर अब उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो वर्ड्स क्या थे, उन्होंने क्या कहा, उसके पीछे रीज़न क्या थी, वो तो मैं आगे आपको चल के बताऊँगी। लेकिन मैंने इस पर पहले वीडियो क्यों नहीं की, मैंने इस पर बात क्यों नहीं की, इसकी भी रीज़न बताऊँगी आपको। एक मिसाल याद है कि भेड़ बकरियों को जो है वो रेवड़ की सूरत में चलाया जाता है, उनकी रखवाली की जाती है, जिस डायरेक्शन में उनको चलाया जाए वो सब जानवर जो है वो उसी सेंट में चलते हैं। लेकिन अगर कोई अपने उस रेवड़ से बाहर निकले, उस ग्रुप से बाहर निकले, तो उसको ज़बरदस्ती उसमें लाया जाता है। बिल्कुल यही मिसाल है हमारे चंद यूट्यूबर्स की जिन्होंने इस केस को काफ़ी जस्टिफाई किया, इसकी रूट पर बात नहीं की, ये क्यों सानहा पेश आया इस पर बात नहीं की। लेकिन जस्टिस फॉर नूर मुकदम पिछले काफ़ी दिनों से ट्विटर पर जो है वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है। हमने इस केस की वजह जानने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि ये वाकया पेश क्यों आया, और आज जब किसी ने ये जरूरत की इसकी असल वजह बताने की कोशिश की, तो हमने उसके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत शुरू कर दी, उसकी सहाफ़त पर जो है वो सवालिया निशान खड़े कर दिए। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इमरान रियाज खान ने कहा क्या, और फिर मैं आपको उनका वो क्लिप सुनवाऊंगी ताकि आपको खुद अंदाज़ा हो जाए कि वही वर्ड्स मैंने भी कोट किया और वही वर्ड्स इन्होंने कहे। एंकर इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में जिक्र किया, और मैं चाहूँगी कि आप वो व्लॉग मुकम्मल सुने, क्योंकि जो क्लिप काट कर जो है वो यहाँ पर ट्रेंड चलाया गया है, वो पूरा क्लिप सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि जिस नूर मुकदम का मुकदमा आप लड़ रहे हैं, आपको पता है पिछले 6 महीने में उसके वालिद के साथ कितने रबते हुए। उसके वालिद ने 8 मरतबा मैसेज किया और सिर्फ 3 मरतबा नूर मुकदम ने उसका जवाब दिया। ये कनेक्टिविटी थी, कहते हैं ये तो कनेक्टिविटी थी। लेकिन आपको पता है कि जिस बंदे ने उसका गला काटा, उसका कत्ल किया, उसका कितनी बार रब्ता हुआ। ज़ाहिर जाफर के साथ नूर मुकदम के सैकड़ों रबते थे पिछले 6 महीने में। ऐसे मैं 6 महीने की बात कर रही हूँ जो कि इमरान रियाज ने अपने व्लॉग में की, और ये उन्होंने खुद से नहीं की, ये बाकायदा फॉरेंसिक हुआ है उनके मोबाइल फ़ोन्स का, जिसकी ये रिपोर्ट आई है जिस पर उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि अपने वालिद से सिर्फ 3 बार रबते, और ये क्या है, यानी जिधर कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी उधर नहीं है, जिधर नहीं बनती उधर है। यानी इस्लाम आपको बताता है ना कि आप ऐसा करें, यह गुनाह है। महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट आपको देता है, आपकी सोसाइटी आपको इसकी इजाज़त नहीं देती, फिर आप वही काम कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों के नतायज ऐसे होते हैं। हम पहले आपको खबरदार करें, इस्लाम ने आपको खबरदार किया है, आपका मुआशरा आपको खबरदार करता है, आपके बड़े बुज़ुर्ग आपको समझाते हैं, लेकिन पता नहीं आपको क्या चाहिए। ये चंद जुमले थे जो इन्होंने अपने व्लॉग में जिक्र किए, मैं आपको भी सुनाऊंगी भी ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं खुद से बात नहीं करी, ये वाकई उन्होंने ऐसा कहा, और फिर उनको जितनी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है उसका भी जिक्र करेंगे। पहले मैं चाहूँगी कि आप ये क्लिप सुने। आपको देता
जानते हैं, लेकिन पता नहीं आपको क्या चाहिए। अब ये ये एक मुकम्मल क्लिप था, एक पूरा व्लॉग था और तकरीबन 16-17 मिनट का इनका व्लॉग है, जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा कट करके जो है उसको ट्वीट किया गया और फिर ट्रेंड बना दिया गया। और अब उनके खिलाफ जो है वो एक मुहिम शुरू हो चुकी है, एक बाकायदा कैंपेन चल रही है ट्विटर पे कि ये शख्स जर्नलिस्ट कहलाने के लायक नहीं है, ये इसने नून मुकदम को टारगेट किया है, ये किया है, वो किया। अगर किसी जर्नलिस्ट ने उस पर सही बात की है, जो कि मैं करना चाह रही थी लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि मुझे लग रहा था कि यही होगा, तो आज मैंने ये देखा कि किस तरह से जो है वो इनको अब टारगेट किया जा रहा है। बल्कि एक न्यूज़ चैनल ने तो बाकायदा खबर ये बनाई कि जर्नलिस्ट इमरान खान ब्लेम्स नूर मुकदम फॉर नॉट फॉलोइंग सोसाइटी रूल्स। आप हेडलाइन चेक करें, ये हमारा मुआशरा है, हमें जिस ट्रैक पर चला दिया जाता है हम उस पर चल पड़ते हैं। हम किसी वाक़े की जो उसकी वजह है वो जानने की कोशिश नहीं करते, कोई वाकया कोई सानहा क्यों सरजद होता है उसकी वजह जानने की कोशिश नहीं करते। हमें जो चीज़ बताई जा रही है, जो चीज़ दिखाई जा रही है, हम उसको मानते हैं लेकिन तस्वीर की दूसरी साइड कभी नहीं देखेंगे। ये सब चल रहा था और जो हमारे खूनी लिबरल्स हैं उन्होंने शदीद इनको तनकीद का निशाना बनाया, जबकि बहुत से ऐसे लोग भी जो कि इस केस को डिफेंड नहीं करे, उन्होंने नूर मुकदम की वो तस्वीर भी शेयर की, वो वीडियो शेयर की जब वो औरत मार्च का हिस्सा थी, वो आज़ादी मार्च का हिस्सा थी। आप खुद अच्छे से जानते हैं नाज़रीन के औरत मार्च में किस किस्म के मुतालबात किए जाते हैं, किस किस्म की आज़ादी जो है वो मांगी जाती है। अब इस आज़ादी का जब ये नतीजा निकला है और एक सहाफ़ी जो वाकई ही मेरे नज़दीक मैं इनको सलाम पेश करती हूँ कि जिन्होंने ये स्टेप लिया और ये बात कही जो कि हम में से हर शख्स शायद करना चाह रहा था, जो इस केस से जुड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं की। और आज अगर किसी ने सच बोला है तो हमने उसको इस तरह से टारगेट किया है कि उसकी सहाफ़त पर सवाल के निशान उठाए हैं, उसके करेक्टर पर सवाल के निशान उठाए हैं। और हम बात कर रहे हैं ख़वातीन को जो है वो हकूक दिलवाने के, ख़वातीन को इंसाफ दिलवाने के, बल्कि यहाँ तक के कुछ लोगों ने इस केस को जोड़ा कुरतुल ऐन मर्डर केस से कि इमरान रियाज खान को टारगेट करने के लिए ये भी कह दिया कि अब तो आप कहेंगे कि जो कुरतुल ऐन के साथ हुआ वो भी सही है, जबकि कुरतुल ऐन जो है वो एक हाउसवाइफ थी तो उनके साथ ही सब क्यों हुआ। देखिए यहाँ बात यह आती है कि हर वाक्य के पीछे एक अलग वजह होती है। कुरतुल ऐन के साथ जो हुआ वो भी बहुत गलत था, जो नूर मुकदम के साथ हुआ वो भी बहुत गलत था, लेकिन इन दोनों के पीछे रीजंस बिल्कुल डिफरेंट थी। हम इन दोनों केसेस को साथ नहीं जोड़ सकते। अगर कोई नूर मुकदम के अगेंस्ट बोलता है तो हम उसका मुंह बंद करवाने के लिए वो मिसाल दे देते हैं। मैंने जब इस पर बात की मेरे साथ भी यही हुआ, फौरन से कह दिया गया कि आप कितनी गलत बात करी हैं। और यही बात की कि जब इमरान रियाज खान ने सिर्फ ये बताया कि आपकी इस्लामिक वैल्यूज़ क्या है, आपकी सोसाइटी आपको क्या बताती है, आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपके साथ इस तरह के वाकयात होंगे, मेरे नज़दीक उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन मैं वही बात करूंगी कि जब भेड़ों के रेवर में से या बकरियों के रेवर में से कोई एक जानवर अलग होता है तो हम उसको ज़बरदस्ती उसमें वापस लाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो नहीं आता तो उसके ख़िलाफ़ हम बगावत शुरू कर देते हैं। इस वक्त इनके साथ भी यही हुआ है, लेकिन फैसला जो है वो आप लोगों ने करना है, हमारी आवाम ने करना है कि असल में सही कौन है और गलत कौन है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।